हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सप्ताह में आप कितना दिन ऐप्स का वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सप्ताह में ऐप्स का वर्कआउट एक एक दिन गैप करके कर सकते हैं। मंडे को कीजिए तो ट्यूजडे को मत कीजिए, वेडनेसडे को कीजिए, और वेडनेसडे को कीजिए तो फिर थर्सडे को मत कीजिए, फ्राइडे को कीजिए, और फ्राइडे को कीजिए तो फिर सैटरडे को मत कीजिए। संडे को भी कर लीजिए, संडे को रेस्ट डे रखिए, लेकिन आप केवल ऐप्स वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग कटिंग के लिए हैं तो आप लोग को ये नियम अपनाना होगा, हर एक दिन गैप करके कटिंग कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं तो आप लोग को ऐप्स वर्कआउट सप्ताह में एक एक दिन गैप, हर दिन में एक एक दिन गैप करके करना होगा। तो संडे तक आप लोग का 4 बार हो जाएगा ऐप्स ट्रेनिंग सप्ताह में। और मेरे ख्याल से जब आप लोग गेनिंग कर रहे हैं, बल्किंग कर रहे हैं, तब भी आप लोग को ऐप्स करना चाहिए सप्ताह में जितना 4 दिन, मतलब जितना मैं बताया आपको कि एक दिन गैप करना है, उतना आप लोग को करना चाहिए गेनिंग में भी बल्किंग में भी। लेकिन अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा आलसपन है आप लोग के अंदर, तो आप लोग सप्ताह में 2 बार कम से कम ऐप्स जरूर कीजिए, गेमिंग हो या कटिंग। आप लोग ऐप्स करने का ज़्यादा मन नहीं करता है ऐप्स का वर्कआउट, तो आप लोग ऐप्स का वर्कआउट सप्ताह में 2 बार कम से कम कीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।